नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट दो हज़ार के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में यहाँ देख सकते हैं कि मैंने हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर खोला हुआ है और ये 24 तारीख का खबर है चौबीस जून 2021 से और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया यहाँ पर बोला गया है कि जो एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी किया गया उन्नीस इक्कीस जून को यहाँ देखिएगा इक्कीस जून को जो जारी किया गया वेबसाइट पर उसमें क्या हुआ कुछ कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया मतलब क्वालिफाई होने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नहीं रखा तो इस पर शिक्षा मंत्री ने जो हिंदुस्तान को कहा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जो हिंदुस्तान को कहा उसके बारे में हम बात करते हैं फिर मैं अपना व्यू भी रखूंगा इस चीज़ पर तो देखिएगा मंत्री ने क्या वो बोला मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर निर्णय कर लिया है कि 2019 में एस क्वालिफाइड ने क्वालिफाई किए वे सभी सातवें चरण में नियोजक के लिए पात्र होंगे मतलब आपने क्वालिफाई किया है तो सातवें चरण का जो बहाली चलेगा चलेगा ना उसमें आप क्वालिफाइड होंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हो चाहे वे बोर्ड द्वारा जारी सूची में क्वालिफाइड हो मेरिट लिस्ट में हो अथवा मेरिट लिस्ट में नहीं हो क्वालिफाई होने के बाद नॉट इन मेरिट लिस्ट में भी होंगे तो भी आप बिहार में जितने भी वैकेंसी निकलेंगे सबके लिए आप पात्रता हासिल कर चुके हैं मंत्री ने कहा कि इसको लेकर मेरिट लिस्ट नहीं में नहीं आने वाले विद्यार्थी परेशान ना हो निर्णय लिया जा चुका है और प्रक्रिया पूरा को पूरा करने के लिए के बाद शीघ्र ही विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा शिक्षक शिक्षक शिक्षा, 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 शिक्षा परिषद का पूर्णतः अनुसरण करता है इसको लेकर पहली एस के पात्र हो चुके अभ्यर्थी को की मान्यता भू, भूल मतलब भूल मतलब भूलवश बोला जा रहा है प्रभाव से ताउम्र जारी की जा सकती है मतलब जो आपको सर्टिफिकेट मिल गया ना जो मार्कशीट आपको मिलेगा वो उम्र भर रहेगा अब आपका इसके बारे में बात किया जा रहा है बट हम लोग हम लोग को जॉब चाहिए सर्टिफिकेट लेके हम लोग क्या करेंगे तो 2011 में और कुछ यहाँ लिखा नहीं गया यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या बताया गया है यहाँ पे बेसिकली आपको बताया गया है कि जो भी आप मेरिट लिस्ट में हो नहीं मेरिट लिस्ट में हो उससे कोई मतलब नहीं है आप जो शिक्षक का बहाली होगा सातवें चरण का उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जो आपका मार्कशीट आपको जो मिलेगा बिहार एस्टेट का वो आपका मार्कशीट उम्र भर के लिए जब मतलब हमेशा जब तक आपकी आयु सीमा है टीचर बनने की तब तक आप अपने सर्टिफिकेट का वैलिडिटी आपका रहेगा ठीक है ना तो यही चीज़ बोला गया है तो स्टूडेंट के पक्ष में कुछ भी नहीं बोला गया स्टूडेंट को केवल सांत्वना यहाँ दिया गया और कुछ भी नहीं बोला गया कुल मिला के ये अपडेट उतनी अच्छी नहीं है अगर रिजल्ट में कुछ चेंज होता और या जो तीन महीने पहले वो लोग कह रहे थे कि जिनका भी क्वालिफाई हो गया उनका जॉब फिक्स है ऐसा कुछ होता तो कुछ अलग बात होता बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो केवल आपको शांत करने की कोशिश की कि आप शांत हो जाइए और इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचिए ठीक है ना उनका कुल मिला आपको जॉब देने का कोई भी मनसा नहीं मुझे दिख रहा है हाँ अगर मान लीजिए कुछ बच्चों का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो फेल हो जाते हैं तब जाके कहीं आपको चांस मिल सकता है बट उसमें भी बहुत कम चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट नॉट इन मैरिट लिस्ट वाले जॉब पा ले ठीक है तो जो अपडेट्स था दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करने का कोशिश किया और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊं अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं थैंक यू